सो गाइस वेलकम बैक टू चैनल। आज की वीडियो में बोट की तरफ से आने वाले बोट स्टोन 170 ब्लूटूथ स्पीकर के अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। इसको हमने अमेजन से 1000 रुपये का परचेज किया। अगर आपको खरीदना है तो हमेशा की तरह बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम इन्हीं के अनबॉक्सिंग करने वाले, साथ ही साथ इनकी कॉल क्वालिटी और इनकी साउंड क्वालिटी को भी टेस्ट कर लेंगे और इसमें क्या क्या फीचर्स के हिसाब से आता है सभी को टेस्ट कर लेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं इनकी अनबॉक्सिंग से। सो ओके गाइज, बोट की तरफ से आने वाले बोट स्टोन 170 ब्लूटूथ स्पीकर इस बॉक्स में आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर आपको बोट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है पोर्टेबल येट पावरफुल। यहाँ पे आपको इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, जैसे ट्रू वायरलेस हमारा स्पीकर है। अगर बॉक्स के राइट साइड में देखें तो यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टेड डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, जिसको आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके। यहीं पे आपको प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, 2990 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन इसको हमने अमेजन से 999 रुपये का परचेज किया है। अगर बॉक्स के राइट साइड में देखें तो यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं देखने को मिलती। यहाँ पे आपको सिर्फ इसके पैकेजिंग कंटेंट देखने को मिल जाते हैं। जैसे इस बॉक्स में आपको एक 170 वोल्ट का स्पीकर देखने को मिल जाएगा, एक यूज़र मैनुअल दी हुई है, एक माइक्रो यूएसबी केबल दिया हुआ है, साथ ही साथ इसमें आपको एक ऑक्स केबल भी देखने को मिल जाता है। अगर बॉक्स के नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको सारी टेक्निकल डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। सो अगर इसके कुछ टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो इसमें आपको 1800 mAh की बैटरी दी हुई है, जिससे आपको 6 घंटे तक का प्लेबैक टाइम आसानी से मिल जाएगा। अगर ब्लूटूथ की बात करें तो इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 4.2 दिया हुआ है और इसमें आपको ऑक्स और एसडी कार्ड का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसमें ही आपको सारे कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे और साथ ही साथ ये IPX6 रेटिंग के साथ आता है, जिससे आपको वाटर और स्वेट रेजिस्टेंट भी मिल जाता है। तो चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं हमें बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलता है। सो बॉक्स में ऊपर ही हमें एक स्पीकर देखने को मिल जाता है, इसको अभी निकाल लेते हैं। बाकी बॉक्स में हमें कुछ केबल्स देखने को मिलते हैं, जैसे आप देख सकते हैं हमारा एक माइक्रो यूएसबी केबल हमें बॉक्स में मिल जाता है, साथ ही साथ एक केबल और दिया हुआ है इसमें। इसमें आपको ऑक्स केबल भी देखने को मिल जाता है। सो अगर आपके स्पीकर की बैटरी ख़त्म हो गई तो डायरेक्ट आप अपने फ़ोन से कनेक्ट करके इसको चला भी सकते हैं। अगर बॉक्स में और देखें तो बॉक्स में आपको और नीचे की तरफ अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ यूज़र मैनुअल्स देखने को मिल जाती है, साथ में एक वारंटी कार्ड भी दिया हुआ है। तो ऐसा कुछ आपको इसमें वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है, 1 साल की वारंटी के साथ आता है। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं इसमें आपको स्ट्रैप पहले से ही लगा हुआ आता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर इसके कुछ ओवरव्यू की बात करें तो ऊपर आपको इसका मॉडल नंबर देखने को मिल जाएगा, सामने की तरफ बोट की ब्रांडिंग दी हुई है। अगर ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको कुछ बटन्स देखने को मिल जाएगा, जैसे वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पॉज एंड प्ले बटन और साथ ही साथ ऑन एंड ऑफ बटन भी दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें आपको एक LED इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। अगर स्पीकर के पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको कुछ, मुझे लग रहा है, चार्जिंग और कुछ और पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए खोल कर देख लेते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा, माइक्रो यूएसबी पोर्ट के साथ आता है, साथ ही साथ आपको ऑक्स केबल भी यहीं लगाना होगा और साथ ही साथ बराबर में देख सकते हैं आपको एसडी कार्ड स्लॉट भी मिल जाता है, जिससे आप अपनी अगर माइक्रो एसडी से कुछ चलाना हो तो वो भी आप डायरेक्टली इस स्पीकर में चला सकते हैं। तो चलिए स्पीकर को सेटअप कर लेते हैं और देख लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी को। सो गाइस इनके अनबॉक्सिंग तो आपने देख ही लिए, तो मैंने इनको अपने डिवाइस से कनेक्ट भी कर लिया, तो चलिए इनकी साउंड क्वालिटी को टेस्ट कर लेते हैं। तो चलिए मैं कुछ प्ले करके देखता हूँ, मैक्सिमम वॉल्यूम पे है भी ये। This is Dolby Cinema. It's where the most advanced cinematic technology you've ever experienced begins. This is Dolby Atmos. The number of speakers around you no longer matters, because this is the world's first object-based cinematic audio. सो गाइस जैसे आपने देख लिया इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये हमने एक डॉल्बी का जो ट्रेलर आता है उसको प्ले किया था। अभी इसमें हम एक सॉन्ग प्ले करके देख लेते हैं और देख लेते हैं सॉन्ग में आपको कैसी क्वालिटी देखने को मिलेगी। सो गाइस जैसे आपने इस सॉन्ग से देख लिया इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप नेटफ्लिक्स या किसी और प्लेटफॉर्म पे मूवी देखना पसंद करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस ब्लूटूथ स्पीकर को डेफिनेटली कंसीडर करिए, इसमें आपको मूवी देखने में काफ़ी अच्छा मजा आने वाला है। सो अगर इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। ऊपर नीचे हमें प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिल जाती है। अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर ही आपको इसमें 4 बटन भी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको म्यूजिक पॉज एंड प्ले बटन दिया हुआ है, साथ ही साथ वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन भी दिया हुआ है। और वॉल्यूम अप एंड डाउन को ही अगर आप प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो आप अगला सॉन्ग और पिछला सॉन्ग प्ले कर पाएंगे। साथ ही साथ इसमें आपको माइक भी दिया है, तो चलिए इसकी कॉल क्वालिटी को भी टेस्ट कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कॉल आ गई है हमारे इस पे, हाँ आवाज आ रही है।
क्लियर है एकदम? हाँ, कुछ वैसे डिस्टोर्शन तो नहीं आ रहा है? लाउड एंड क्लियर साफ सुन रहा है ना तुझे? ठीक है दोस्तों, जैसे आपने अभी इसकी कॉल से देख लिया, इसमें आपको बहुत ही अच्छी लाउड एंड क्लियर आवाज़ देखने को मिल जाती है। अगर इसके माइक की बात करें तो माइक भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको ऑक्स केबल का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर आपके ब्लूटूथ स्पीकर की बैटरी ख़त्म हो गई है तो आप इसके साथ आने वाला केबल से इसको आगे प्ले भी कर सकते हैं इसके सॉन्ग्स। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर बन जाता है। इस रेंज में बहुत ही कम स्पीकर में इन चीज़ें देखने को मिलती है। और इसमें आपको माइक्रो एसडी सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। अगर आप अपने एसडी कार्ड से कुछ भी प्ले करना सोच रहे हैं तो आप इससे डायरेक्टली प्ले कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए मैं बता दूं कि ये स्पीकर हमारा IPX रेटिंग 6 के साथ आता है, जिससे एक वाटर और स्वेट रेजिस्टेंट भी बन जाता है। सो अगर आप पूल के आसपास भी इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो भी आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए फाइनल रेटिंग की बात कर लेते हैं। आपको ये स्पीकर खरीदना चाहिए नहीं? सो अगर आप 1000 रुपये के अंडर कोई स्पीकर देख रहे हैं तो ये बोट की तरफ से आने वाला बोट X170 एक काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकता है। इसमें आपको बेहतरीन साउंड तो देखने को मिल ही जाएगा। वही कॉल क्वालिटी की बात करें तो कॉल क्वालिटी भी आपको इसमें बहुत ही अच्छी दी हुई है। साथ ही साथ बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। ये आपको 1000 रुपये कमीशन से मिल जाएगा। अगर आपको खरीदना है तो बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।